देखो जी बिगुल चुका है, अब तो हरियाणा में भी कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए, तो क्या लगता है 10 लोकसभा सीटों पर कि आपका नजरिया क्या है कि क्या हो सकता है? मेरे नजर में तो ये है कि हम 10 की 10 सीट जीत सकते हैं और जीतेंगे। बहुत ही रिजेंटमेंट है लोगों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ। टिकटें घोषित करने में बहुत लंबा समय लगा दिया, कल आपका एक ट्वीट भी आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसको आप राजनीतिक रूप से मत देखिए, नजरिया है ना, हर आदमी का अपना नजरिया है, किसी को क्लास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा हुआ दिखता है इसका। हाँ ये है कि वो ट्वीट ऐसे टाइमिंग आप कहते हो, टाइमिंग के हिसाब से लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा ऐसे, लेकिन ऐसे मेरे मन में ऐसा कुछ। विधानसभा के लिए चंद्रमोहन जी का रोड मैप क्या है? मैं तो पंचकूला से चुनाव लड़ा था, इस बार भी परमात्मा की कृपा से और हाईकमांड के आशीर्वाद से यहीं से लड़ूंगा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर चंद्रमोहन जी के पास, बातचीत करेंगे इनसे कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर, क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनावों की टिकटें कांग्रेस की भी घोषित हो चुकी हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए बीजेपी के कैंडिडेट एक महीने पहले से मैदान में है। राजनीतिक तापमान क्या है, क्योंकि गर्मी तो बढ़ रही है, सब बातों पर चर्चा करेंगे चंद्रमोहन जी से। चंद्रमोहन जी स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद जी, आपका बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी बिगुल चुका है, अब तो हरियाणा में भी कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो गए, तो क्या लगता है 10 लोकसभा सीटों पर कि आपका नजरिया क्या है कि क्या हो सकता है? मेरे नज़र में तो ये है कि हम 10 की 10 सीट जीत सकते हैं और जीतेंगे। बहुत ही रिजेंटमेंट है लोगों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के खिलाफ। कांग्रेस ने टिकटें घोषित करने में बहुत लंबा समय लगा दिया, कल आपका एक ट्वीट भी आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? कौन सा ट्वीट? जो आपने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की। नहीं नहीं, उसको आप राजनीतिक रूप से मत देखिए, आदमी प्रयास तो अध्यात्म में भी बहुत चीजों का करता है और तजुर्बा तो किसी चीज से भी मिल सकता है इंसान को, इसका राजनीति से कोई अंतर नहीं। क्योंकि आप बहुत कम सोशल मीडिया का यूज खुद करते हैं, लेकिन जब कोई चीज आपके द्वारा आती है तो उसके कई महीने निकाले जाते हैं। चलो ये तो नजरिया है ना, हर आदमी का अपना नजरिया है, किसी को क्लास आधा खाली दिखता है, किसी को आधा भरा हुआ दिखता है इसका। हाँ ये है कि वो ट्वीट ऐसे टाइमिंग आप कहते हो, टाइमिंग के हिसाब से लोगों ने ऐसा सोच लिया होगा ऐसे, लेकिन ऐसे मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं। हरियाणा का जो एक वर्ग ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से आपके साथ जुड़ा हुआ पूरे हरियाणा के हर कोने से, जो चंद्रमोहन को चाहता है, चंद्रमोहन को देखना चाहता है, हर तरफ सक्रिय, तो चंद्रमोहन स्टेट लेवल पे पूरी सक्रियता 22 के 22 जिले हरियाणा में कब नजर आएगी लोगों को? ये कोई जरूरी नहीं कि आदमी अगर सोशल मीडिया में है या अखबारों में है तो ही सक्रिय है। मैं सबसे टच में रहता हूँ, तभी लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं भी उनका आदर और उनको आदर करता हूँ, उनका प्यार करता हूँ। पूरे हरियाणा में सोशल मीडिया के अलावा व्यक्तिगत रूप से जनसंपर्क, क्योंकि आपकी अपनी एक लॉबी है, चंद्रमोहन अपने आप में एक संस्था है। मैन टू मैन में बिलीव करता हूँ, पर्सनल मुलाकातों में बिलीव करता हूँ ज्यादा, तो मैं टच में रहता हूँ फोन पे 24/7। चंद्रमोहन जी जिस प्रकार से पहले तीन लाल, देवीलाल, बंसीलाल, आपके पिताजी चौधरी भजनलाल का राज सारों ने देखा, अब एक राज चौथे लाल का मनोहर लाल जी का भी अभी अभी मतलब उनको रिप्लेस किया गया है, पार्लियामेंट में उतारा गया है, अगर इनकी समीक्षा करनी हो चारों लालों की राजनीति की तो कैसे करेंगे? अपने मुंह से मैं कहूँ तो मतलब बहुत आप तक क्या मतलब लगाएंगे, लेकिन सत्य यही है कि जो चौधरी भजन लाल जी का राज था उससे बढ़िया राज कभी नहीं आया अब तक। चंद्रमोहन जी जिस प्रकार से हरियाणा के चुनावों में जो मुद्दे इस बार कांग्रेस उठाने जा रही है, आपके जहन में क्या क्या मुद्दे हैं? देखो तो मुद्दे सबसे बड़ी तो बेरोजगारी का है, इस समय बच्चे पढ़े लिखे सड़कों पर घूम रहे हैं, फिर वो नशे की तरफ जा रहे हैं, और सैकड़ों मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर हम बात करेंगे बहुत लंबा लग जाएगा। एक सवाल आपकी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, दूसरी राजनीतिक पार्टी का है, लेकिन क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व हैं तो निसंदेह पूछा जा सकता है, अनिल विज की बेरुखी जिस प्रकार से वो मनोहर पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे की मंत्रालय इनके पास रहे, होम मिनिस्टर तक रहे, और एकाएक उनको बिल्कुल राजनीतिक हाशिए पर आने पड़ा, ये घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए तो उनकी क्या बेरुखी है तो फिर साहब ही बता सकते हैं, लेकिन सीनियर आदमी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस में गुटबाजी, सिर फुटबल की खबरें आ रही हैं,
इसके मद्देनजर हरियाणा में 10 में से 10 सीटें जीतने का दावा कैसे किया जा सकता है? हरियाणा में कोई गुटबाजी नहीं है, सभी आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सभी एकजुट हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर आए, उनके बेटे एमपी थे बीजेपी के, वो छोड़कर इधर शामिल हुए, उनको टिकट नहीं मिली। कुलदीप जी हिसार से टिकट के इंटरेस्टेड थे, उनको नहीं मिली। इस तरह के कई चेहरे, श्रुति चौधरी का अगर जिक्र किया जाए कांग्रेस में, तो ये कई चेहरे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वंचित रहे टिकटों से। इन चीजों का भी कोई प्रभाव रहता है? ये लोग भी कोई ना कोई प्रभाव दिखाते हैं अपने क्षेत्रों में? सब अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और अभी जो विधानसभा का आगे भी चुनाव है, बहुत चीजें हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो विधानसभा के लिए चंद्रमोहन जी का रोड मैप क्या है? मैं तो पंचकूला से चुनाव लड़ा था, इस बार भी परमात्मा की कृपा से और हाईकमांड के आशीर्वाद से यहीं से लड़ूंगा। आपको क्या लगता है कि पंचकूला में जो मेट्रोपॉलिटन या जो चीजें आई वो इंप्लीमेंट हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही? पिछले 10 साल में पंचकूला में कुछ भी नहीं हुआ। जो हमारा सपना था पंचकूला को पेरिस बनाने का, उसका मतलब था कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, आप रोजगार भी हो, सब कुछ हो। 10 साल में 10 बहुत पीछे धकेल दिया बीजेपी सरकार ने इसको। अगर मोरनी का जिक्र करें, हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल है, उसकी डेवलपमेंट से क्या सेटिस्फाइड हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ जो डेवलपमेंट थी वो सारे हमारे शासनकाल में हुई है, कांग्रेस के शासनकाल में जब मैं विधायक था। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। भाई प्रदीप चौधरी ने जी ने बार बार विधानसभा में भी कई सवाल उठाए, लेकिन सरकार के कानों पे जू भी नहीं लाई। जिस तरह से माता मनसा देवी खंडपीठ यहाँ पर है, गुरुद्वारा नाडा साहब जैसे पवित्र स्थान यहाँ पर हैं जिनकी मान्यता धार्मिक रूप से बहुत है, तो धार्मिक टूरिज्म भी यहाँ डेवलप किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं। ये तो देव भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। चंद्रमोहन जी की सक्रियता लोकसभा चुनावों में कहाँ कहाँ देखने को, 10 सीटों में से कहाँ कहाँ मिलेगी? मैं फोन के माध्यम से सभी से कांटेक्ट में हूँ। हाँ, मैं सिरसा जरूर अवश्य जाऊँगा, और यहाँ तो मैं हूँ ही, 7-8 जगह मैं जाऊँगा जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरी मदद से कुछ मजबूती मिल सकती है। धन्यवाद। तो ये हैं चंद्रमोहन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मोरनी की डेवलपमेंट ना होने पर कहीं ना कहीं आहत है ये, और धार्मिक टूरिज्म यहाँ डेवलप हो सकता है, इसकी बात भी कह रहे हैं, इसका जिक्र भी कर रहे हैं। और पंचकुला के भेदभाव, 10 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं, ऐसे आरोप भी इन्होंने लगाए हैं कि बिल्कुल पंचकुला की कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है। राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत परिपक्व और सुलझे हुए तरीके से सारी बातों को टालते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 10 की 10 लोकसभा सीटों में हरियाणा की ये जा सकते हैं जहाँ से इनको बुलाया जाएगा, लेकिन ये सिरसा में अवश्य जाएंगे जैसा इन्होंने कहा है। पंचकुला और अंबाला सीट पर तो क्योंकि इनकी अपनी कर्मभूमि है, अपना निवास है यहाँ पर ये सक्रिय रहेंगे। बाकी जहाँ जहाँ से इनको बुलावा आएगा, जो बुलाएंगे वहाँ पर ये जाने को तैयार हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।